हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल जी। पंजाबी किचन में आज आपका स्वागत है। आज हम लोग बना रहे हैं करेले की सब्जी। जैसे कि गर्मी का सीज़न चल रहा है और गर्मी के सीज़न में करेले की सब्जी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आज मैं आपको ये इसके बनाने की रेसिपी बताऊंगी। सबसे पहले मैं करेले को अच्छी तरह छील लूँगी। ये लिखिए, इससे ऐसे ऐसे मेरे को सिर्फ ऐसे ऐसे ही करके इसका निकालना है। दूसरी तरह चाकू से इसका पूरा छिलका नहीं उतारना है, सिर्फ आपको ऐसे ही इसको क्रेड क्रेड के निकालना है। ये देखिए ऐसे ही कर करके मैं सभी करेलों को ऐसे छील लूँगी। हाँ, ये देखिए मैंने सारे करेलों को अच्छी तरह क्रेड क्रेड के छील लिया है। और जो इनके बीच के बीज हैं वो मैंने ऐसे साइड पे निकाल दिए हैं, मैंने बीच में नहीं रखे हैं, क्योंकि मेरे घर में ये बीज नहीं खाते हैं इसलिए मैंने नहीं डाला। इसको आप अलग से दो प्याज चीर के उसमें एक मिर्ची डाल के और इसको मिला के, नमक मिर्ची मिला के आप खा सकते हो, लेकिन मैं इसको नहीं यूज़ करती इसलिए मैंने इसको नहीं डाला। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह सारा छील लिया है बीच से। ये देखिए अच्छी तरह बीच से साफ़ कर दिया है। अब मैं इस पर क्या करूँगी, ये देखिए अब मैं इस पर ये नमक ऐसे ऐसे इसकी स्किन पे लगा दूंगी। नमक लगाने से क्या होता है, मैं इसका जो कड़वापन है वो निकल जाएगा। ये देखिए ऐसे मैं सभी को ऐसे ही नमक लगा दूंगी। और नमक लगा के मैं इसको धूप में बाहर 10 मिनट के लिए रख दूंगी, ताकि जो इसका कड़वापन है वो पानी के रूप में बाहर निकल जाए। फिर हमारे जो करेले हैं वो खाने में कड़वे नहीं लगते हैं। ऐसे ही मैं सभी को नमक लगा दूंगी। आगे देखिए कि करेलों को फिल करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। ये मैंने चार प्याज लिए हैं। अगर ये ज़्यादा भी मिक्सचर हो जाएगा तो आप इसको ऐसे भी रोटी के साथ खा सकते हो। और ये दो टमाटर लिए हैं और 8 हरी मिर्च ली है। और ये इतना सा अदरक लिया है। अदरक मैं कम ही लेती हूँ क्योंकि गर्मी का मौसम है और इसलिए मैं अदरक कम सब्जी में कम डालती हूँ। अब मैं इन सबको इस चिली कटर में डाल के काट के डाल दूँगी और चिली कटर कर लूँगी। इसको मिक्सी में ब्लेंड नहीं करना, क्योंकि मिक्सी में अगर हम करते हैं तो इसका जो मिक्सचर है वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, जो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब मैं इसमें सब चीज़ें डाल के इसको अच्छे से चिली कटर कर लूँगी। ये देखिए हमारे करेलों को बाहर धूप में पड़े हुए 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हो, ये देखिए इसका जो पानी है, ये इसकी कड़त्तन है जो इसमें से निकल रही है। आपको इसको थोड़ा थोड़ा दबा दबा के ऐसे निकाल देना है, ये देखिए, ताकि ये बिल्कुल भी कड़वा ना रहे। सारे को ऐसे ही निकालना है। मैंने फ्राई पैन में तेल गर्म कर दिया है, अभी वो गर्म हो रहा है। इतने में मैं ये करेलों का पानी ऐसे दबा दबा के निकाल दूंगी। ये देखिए हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैंने, ये देख सकते हैं आप, इसकी करेले की ये वाली डंडी निकाली नहीं है। मैं इसी से पकड़ पकड़ के इसको इसके बीच में डालूंगी। आमतौर पर जो लोग करेले बनाते हैं वो पहला इसमें मसाला भर लेते हैं और फिर उसके बाद इसको धागे से बांध के फ्राई करते हैं, लेकिन मैं आपको अलग तरीके से बना के दिखाऊंगी। इससे क्या होता है, जो करेला है वो अंदर बाहर से पूरी तरह पक जाता है। और मैं इसमें बाद में करेला भरूंगी और इसको आपको बांधने की भी ज़रूरत नहीं है। इससे ये खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि आप दूसरे वाला करेला बनाना भूल जाओगे, जैसे कि आप बांध के बनाते हो। मैं इसको पहले फ्राई करूँगी, बाद में इसका मसाला भून के इसमें भरूँगी। आपको भी ऐसे ही करेले फ्राई करने हैं। ये देखिए इससे ये बीच में से मैं इसका यूज़ करूँगी इसको हिलाने के लिए। ये ऐसे बीच में से भी अच्छी तरह पक जाएगा। अगर हम पहले करेले को भर देते हैं तो वो बीच से अच्छी तरह नहीं पकता और उसका जो मसाला है वो भी बीच में कच्चा रहता है। अब मैं इनको ऐसे ही 5-10 मिनट जब तक ये पकते नहीं है फ्राई करूँगी। ये देखिए हमारे करेले हैं वो फ्राई हो चुके हैं। इन्हें और ज़्यादा ब्लैक करने की ज़रूरत नहीं है, कि अगर हम इनको ज़्यादा काला कर लेते हैं तो वो जला जला सी, फिर मुँह में उसका वो टेस्ट है वो कड़वा कड़वा सा लगता है। और वैसे भी अगर हम ऐसे पकाते हैं तो ये अंदर बाहर से बहुत जल्दी पक जाते हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हो, ये देखिए, ये मैंने सारे करेले इसमें से निकाल दिए हैं। ये देखिए अब ये पूरी तरह अंदर से और बाहर से पक गए हैं, इनको इनमें बिल्कुल भी कच्चापन नहीं है। अब मैं गैस का फ्लेम स्लो कर दूंगी और जो इसमें एक्स्ट्रा तेल है चलिए मैं उसको बाहर निकाल दूंगी, क्योंकि अभी मेरे को मसाला फ्राई करना है तो उसके लिए मेरे को इतना तेल नहीं चाहिए है, तो मैं इसमें से एक्स्ट्रा तेल बाहर निकाल दूंगी। ये देखिए आपको भी ऐसे ही करना है, पहले करेले फ्राई कर लीजिए, उसके बाद जो एक्स्ट्रा तेल है उसे निकाल दीजिए। जितना आपको मसाले के लिए चाहिए उतना ही हमें फ्राई पैन में रखना है। इस तरीके से बनाए हुए करेले बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। इनमें इस तरह बनाए हुए करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते हैं। अब ये देख लीजिए मैंने ये एक कड़छी तेल इसमें रखा है। अब मैं इसमें ये एक चम्मच जीरा डाल दूँगी
और इसी के साथ ही ये जो मसाला मैंने उसे चिली कटर से कट किया है वो डाल दूंगी। अब मैं इसको मसाला फ्राई होने तक 3-4 मिनट तक भून लूँगी। ये देखिए हमारा मसाला भूनते हुए 3-4 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ये कसूरी मेथी डाल दूंगी, इसको ऐसे मसल के डालूंगी मैं बीच में। इसका टेस्ट करेलों में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसी के साथ ही मैं ये टमाटर डाल दूंगी, जो 2 टमाटर मैंने चीरे हैं। अब इनको मैं अच्छी तरह इसमें मैश होने तक इनको मसाले को फ्राई करूँगी। और इसके साथ ही अब मैं इसमें 1 चम्मच हल्दी और ये 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच ही ये धनिया पाउडर डाल रही हूँ। अब इन सबको मैं इसमें मिक्स कर दूँगी और इसको 3 से 4 मिनट तक मैं पकाऊँगी। ये देखिए जो हमारा मसाला है उसे पकते हुए 3-4 मिनट हो चुके हैं और मैंने ऐसे टमाटर को ऐसे मैश कर करके इसमें बीच में ऑब्जर्व कर दिया है। पूरा नहीं करना है बल्कि थोड़ा बीच में दिखते भी रहने चाहिए। ये देखिए अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद करेलों में भरूंगी। ये देखिए हमारे करेलों का मसाला थोड़ा ठंडा हो गया। आपको थोड़ा ही ठंडा करना है, पूरा नहीं, ताकि इसका टेस्ट है वो चले ना जाए। ये देखिए अब मैं इसको करेले में ऐसे चमचे की मदद से ऐसे भर दूंगी। ये देखिए ये मैंने भर दिया, इसमें अच्छी तरह फिल कर दिया है। अब बाद में इसको आप ऐसे ऐसे फोल्ड कर दीजिए और ये देखिए कर दिया मैंने। अब इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो आप बाहर निकाल दीजिए, जहाँ इसमें थोड़ा सा अच्छी तरह ऐसे बीच में कर करके आप कर सकते हो। ये देखिए ऐसे ही करके मैं सारे करेले फिल करूँगी। ये देखिए मेरे करेले पूरी तरह फिल होके रेडी हैं और इन करेलों को फिल करने के बाद मेरे को ये मेरे पास ये मसाला बचा है। इसको आप पराठे के साथ भी खा सकते हो, रोटी के साथ भी खा सकते हो, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब मैं इस पर क्या करूँगी, थोड़ा सा हरा धनिया ऐसे गार्निश कर दूँगी। ये देखिए और इस पर भी, और इस पर मैं थोड़ी सी क्रीम डालूंगी। आप डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज अगर आपको नहीं पसंद आएगा तो आप मत डालिए। ये लीजिए ये बहुत ही इजी रेसिपी है। अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे और इनका जो बाहर वाला पार्ट है वो भी कड़वा नहीं होगा। ये मेरे तरीके से एक बार आप अपने घर में करेले बना के देखिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल पंजाबी किचन को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये करेले की सब्ज़ी कैसी लगी। थैंक यू।